गाइस, दिस इज मोना फ्रॉम जमशेदपुर टेनमेंट एंड यू आर वाचिंग माय चैनल डाइन आउट विद मोना। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी लेके। और आज मैं जो बनाने वाली हूँ वो है मैगी तंदूरी बिरयानी। जी हाँ, सही सुना आपने, आज मैं मैगी तंदूरी बिरयानी बनाने वाली हूँ और बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स में ये मैगी बन जाता है। तो फिर ज़्यादा बात नहीं करके चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल, और इसमें मैं ऐड करूँगी जीरा, 2 सूखी मिर्ची, खड़े गरम मसाले। बिरयानी में ये सब ऐड होता है तो इसीलिए मैं ये सारे आइटम ऐड कर रही हूँ। तो घबराना मत कि मैगी में मैं ये गरम मसाले क्यों डाल रही हूँ। और ये गया एक इलायची, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज। अब इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। मैंने एक बड़ा प्याज काट के इसमें डाला है। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हरे मिर्चें। फ्लेम को आप लो में ही रखिए। और इसमें मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोया चंक्स। आपके पास कैप्सिकम या हरा मटर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, मुझे मार्केट में नहीं मिला। तो ये जब हल्का फ्राई होने लगे इसमें हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर, मीट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। अब इसमें मैंने ऐड किया है हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे सादा दही। और अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मिला लेना है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ऐसे ही अच्छे तरीके से। अब इसको भून लेना। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप अपने मैगी के अनुसार ही ऐड करना। अब हम इसको ढक देंगे। अब हम इसका लेड हटाएंगे। इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला, क्योंकि मैगी बिरयानी बना रहे हैं तो बिरयानी मसाला तो लगेगा ही। इसमें ऐड करेंगे मैगी मसाला मैजिक, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा जल। और जैसे आप देख रहे हो ये पानी उबल रहा है, अब इसमें हम अपना मैगी ऐड कर देंगे। इसमें मैगी ऐड कर देंगे। मैगी को बस ऐसे ही रख देना है। ये मैं साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी मैगी मसाला जो पैकेट में रहता है। अब 30 सेकंड बाद इसको हम पलट देंगे ऐसे, दोनों मैगी को पलट देना। पलटने के बाद अब हम इसका लेड लगा देंगे, इसको कवर कर देना ऐसे। करीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही ढक के पकाएंगे। जब तक हमारा मैगी रेडी होता है तब तक हम एक कोयला लेंगे और इसको इसी तरह जलाएंगे, क्योंकि इसमें तंदूरी फ्लेवर भी तो लाना है। अब हम इसका लेड हटाएंगे, और ये देखिए हमारी मैगी कितने अच्छे तरीके से बन गई है। और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये हमारा मैगी बनके रेडी है। अब बस हमें इसमें तंदूरी फ्लेवर देना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा बीच में ऐसे जगह बनाएंगे, छोटा सा कटोरी इसके बीच में रखेंगे। ये जो कोयला हमारा गर्म हो रहा है इस कोयले को इसमें डाल देंगे। अब ये हम कोयले को इसके बीच में रखेंगे। हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करके इसको बंद कर देंगे और इसको ढक देंगे, और गैस के लिड को आप ऑफ कर देना। अब इसको हम पकाएंगे 2 मिनट के लिए। अब हम लेड को हटाएंगे, और ये बहुत ही अच्छी खुशबू दे रही है हमारी मैगी। अब हम इस कटोरी को हटा देंगे, मैगी को सर्व करते हैं। और ये हमारा है मैगी बिरयानी। तो ये मेरा मैगी तंदूरी बिरयानी रेडी हो चुका है। खुशबू तो बहुत बहुत बढ़िया है, रेस्टोरेंट भी फेल है। चलो इसको टेस्ट करते हैं।
उसको एक बार तो ज़रूर ज़रूर बनाना, बहुत ही टेस्टी है। ये नहीं कि मैं खुद बनाई हूँ बोल के आपको बोल रही हूँ, बट सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ज़रूर से ये मैगी तंदूरी बिरयानी ट्राई करना है, मेरे को बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड कलर का बटन है एंड उसके बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, ताकि ऐसा ही कोई मैं वीडियो और अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाओ, मेरी वीडियो को मिस ना करो आप। और जमशेदपुर एंटरटेनमेंट पेज को भी फेसबुक पर जाकर लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मी मोना साइनिंग ऑफ टुडे, टेक केयर, बाय बाय।